हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, इफ। जनरली स्पीकिंग करते समय इफ का इस्तेमाल करते हैं। इफ का मतलब हिंदी में यदि और अगर होता है, और इसके वाक्य अगर आप लोग हिंदी के वाक्य को देखकर बनाएंगे तो आप गलती करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसकी कंडीशंस पर ध्यान दीजिए। ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इफ के तीन कंडीशंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं केवल आपको वर्ब के लिए बता रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको इफ के साथ अगर नाउन और एडजेक्टिव आएगा तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो गुजारिश करूँगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो दोस्तों, इफ के तीन कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन, एक ऐसी सोच होती है जो हम लोग सोचेंगे वो होके रहेगा। जो हम लोग सोचेंगे वो होके रहेगा, उसमें आपको इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल लिखना है, और अगले वाले वाक्य में आपको विल, शैल, कैन ये सब लगाना है, या फिर जो भी सेंटेंस होगा वो लगाना है। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। इफ यू ट्राई यू विल गेट सक्सेस। इफ यू ट्राई यू विल गेट सक्सेस। और आपको एक बात और ध्यान देना है कि इफ वाले वाक्य में हिंदी में भले गागेगी आ जाए, लेकिन आपको इंग्लिश में विल और शैल नहीं लगाना है। इफ वाले वाक्य में अगले वाक्य में आ सकता है। तो हमको पूरी उम्मीद हो रही कि आप जो कुछ कोशिश करोगे वो होके रहेगा। अब कंडीशन नंबर टू में एक ऐसी शर्त होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो हम लोग सोचेंगे उसमें डाउट रहता है, वो होगा कि नहीं होगा, हमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, यानी कि पास्ट सिंपल लगाना है, और अगले वाले सेंटेंस में आपको वुड या कुड का इस्तेमाल करना है, और वुड और कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर आपने कोशिश की तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने कोशिश की तो आपको सफलता मिलेगी। इफ यू ट्राइड यू वुड गेट सक्सेस, यू वुड गेट सक्सेस। तो दोस्तों, हमने अगले में वुड लगाया और पहले वाले वाक्य में ट्राइड किया। आप इसकी हिंदी सेंटेंस समझ जाइए। आप ये सोचिए कि हम लोग जो सोचते हैं वो होगा कि नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप उसमें पास्ट सिंपल लगा दीजिए, सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। अब हम लोग लेते हैं दोस्तों तीसरा वाला सेंटेंस। घटना घट जाने के बाद हम लोग विचार करते हैं, इंसिडेंट पूरा हो जाने के बाद हम लोग विचार करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया होता, अगर आपने अच्छे से खेला होता, अगर आपने मेहनत की होती, ऐसा बनाते हैं। तो इसमें आपको इफ के साथ पास परफेक्ट लगाना है, और अगले सेंटेंस से वुड है और कुड है आएगा, या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर आपने कोशिश की होती तो आप सफल हो जाते। अगर आपने कोशिश की होती तो आप सफल हो जाते। इफ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव सक्सीडेड। इफ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो दोस्तों, ये है तीन कंडीशन। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल पहला कंडीशन, इफ के साथ पास्ट सिंपल दूसरा कंडीशन, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट तीसरा कंडीशन। बस यही है और कुछ नहीं है। और अगले वीडियो में आपको इफ के साथ नाउन और एडजेक्टिव आने पर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूं कि कम से कम तीन सेंटेंस हर कंडीशन के एक एक बना के बताइए, कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, बहुत से लोगों को शेयर करना है। और आजकल मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं, मॉर्निंग 7 o'clock लेट्स हैव अ ड्रीम में, और नाइट को मैं लेता हूं ऑनलाइन क्लास रेनबो इंग्लिश वाले चैनल में 9 o'clock एडवांस इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूं वहां पर आप भी आइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, और आकर आप अपनी इंग्लिश को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं, अपने आप की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।